लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों के साथ ही अब एलपीजी गैस सिलेंडरों के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। कमर्शियल सिलेंडर पर 102 रुपए की बढ़ोतरी होने के बाद सिलेंडर 2000 के पार पहुंच गए हैं। ऐसे में फुटकर व ठेला चाट पकौड़ी व्यवसायियों के लिए समस्या खड़ी हो गई है। चाट पकौड़ी रेसिपी रेंट व कमर्शियल सिलेंडर यूज़ करने वाले छोटे व्यापारियों का कहना है कि लगातार सिलेंडर में हो रही बढ़ोतरी के चलते आमदनी में कमी आ रही है। सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन उनके व्यंजन के दाम नहीं बढ़ाए जा रहे। ऐसे में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होने पर ग्राहक परेशान होता है और वह खरीदारी नहीं करता, जिसके कारण काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई के कारण आम जनता पहले से ही परेशान है और अब इस तरह से हो रही बढ़ोतरी के कारण और परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में सरकार और प्रशासन इस पर कोई ठोस निर्णय ले जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। भैया हमारी दुकान नाश्ते की है और चाट पकौड़ी की भी है, टिकिया छोला ऐसे पावाजी की भी है। लगातार जो गैस में वृद्धि हो रही है, किस तरीके से आपको नुकसान? नहीं भैया, अभी तो काफ़ी नुकसान है, गैस में इतने पैसे बढ़ गए, इसकी हद नहीं है। क्या सीए 200-300 का उछाल आ चुका है गैस में, हमारी रेटें हुई कि वही अभी लागू हुई जी। तो क्या मानता है ग्राहक का भी इफेक्ट तो ये, वैसे तो वो जो कस्टमर है अभी, वैसे ग्राहक रमजान के चक्कर में वो काफ़ी पब्लिक कम है, इधर गैस के भाव दाम बढ़े हुए हैं, हमारी रेट लिस्ट हुई कि वही चल रही है। कोई आपने किसी भी चीज़ को लेकर के बढ़ाया नहीं? अभी हमारा रेट तो वही कि वही है, पर गैसों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कितने का आ रहा था पहले? पहले 1100 समथिंग आ रहा था, 1120 के 40 के आसपास था, अभी तो काफ़ी 200-300 उछाल है। ठीक है, आपका नाम? धनराज नाथ योगी। हो रही है पैसों को लेकर किस तरीके से परेशानी हो रही है और अब क्या लगता है? सर परेशानी तो हो ही रही है सर, हर महीने गैस का भाव बढ़ता जाता है, कभी हमने ये नहीं सुना कि भाव कम किया हो। हर महीने की 1 तारीख को भाव बढ़ जाता है, हर महीने की एक भाव, कभी भी भाव कम नहीं हुआ। ये समझ लो कि जो कमर्शियल गैस 1200 रुपये का था, आज 2000 रुपये का आना लग गया। इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि सर ये जैसे हमारा माल महंगा आएगा तो हम आगे माल महंगा बेचेंगे, महंगा माल बेचते हैं जैसे लागत बढ़ जाती है तो हम भी अपना माल महंगा बेचते हैं, उससे फिर बिजनेस पर बहुत होता है, सेल कम हो जाती है। क्या लगता है कि घाटा? घाटा ये सर अब क्या करें, अब सरकार से पहले तो सर करीबन ये 1200 1250 अब लगभग 2000 के आसपास हो गया। आपका नाम? भगवान अरवानी।